नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। मुंगेर में कोरोना से बचाव और रहने को लेकर बुधवार को 8 सदस्य चिकित्सा टीम के द्वारा कोरोना वायरस से हुए मौत, सैफ अली और उनके इलाज कर रहे 4 स्वास्थ्य कर्मचारियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। उसी नेशनल अस्पताल के चारों तरफ 3 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया। इस दौरान चिकित्सक की टीम ने नीलम चौक और गुलजार पोखर स्थित विभिन्न वार्डो में घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की है। आज तो हमारा नीलम चौक के पास मतलब पानी टैंकी से लेकर के पूरा अंदर तक कर चुके हैं। ये गुलजार पोखर भी कर रहे हैं अभी हम लोग, वार्ड नंबर 13 जी। 3 किलोमीटर जो है ना जी। अब तक कितने वार्डो का आप अभी तक में कितना वार्ड 100 के आसपास बता दीजिएगा। 100 जी। अब तक कितने घरों को या वार्डों को कर चुके हैं आप? ये नेशनल हॉस्पिटल से लेकर के 3 किलोमीटर के अंदर तक में करना है, जो कि अभी 100 घर मतलब हो चुका है। बाकी अभी हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा गुजार पकड़ कर रहे हैं, बाकी एरिया भी कवर कर रहे हैं। तो जी, क्या इस 100 घरों में कोई इस तरह का मिल पाया है या नहीं? अभी तक तो कोई पॉजिटिव ऐसा सिम्टम नहीं मिला है। हम लोग डोर टू डोर पूछ भी रहे हैं कि किसी को सर्दी खांसी बुखार किसी भी एक तरह का भी अगर मतलब उसमें लक्षण है तो फिर हम लोग मतलब उसको नोट कर रहे हैं पूरा एड्रेस के साथ। मतलब हमारा नाम डॉक्टर माहिदमा दंत चिकित्सक। और नेशन भारत भी लोगों से अपील करता है कि अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए ताकि संक्रमण आप तक किसी तरह ना पहुंच पाए। नेशन भारत से जुड़े रहिए और हमारे खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।